नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हमारे साथ वार्ड सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मिलेंगे और जुड़ेंगे कि वार्ड सचिवों को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है, केस को लेकर जो कई सवाल खड़ा हो रहा है, उसी से जुड़े मुद्दे पर हम कई बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे और सवाल करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि जो पैसा तसीला जा रहा है वार्ड सचिवों से और केस के एक आदमी के नाम पे किया गया है, संघ के नाम से नहीं किया गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल एक लोगों को फ़ायदा होगा और फिर वह उसी के आधार पे सभी को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। जिस समय पेटिशनर लोग बन रहे थे उस समय सभी जगह पे बताया गया था पेटिशनर बनने के लिए, और जितने भी लोग पेटिशनर बने हैं उस समय ही बने हैं। उसके बाद सभी जगह पे हम लोगों ने रोक लगाया है कि अब पेटिशनर नहीं बनना है। यदि एक भी सचिव का हमारा जीत होता है तो निश्चित रूप से 1,14,691 सचिव का जीत होगा। ऐसा नहीं है कि जो पेटिशनर बना है सिर्फ उसी का जीत होगा। 99% हम लोग का पूरा उम्मीद बन रहा है कि 1,14,691 सचिव का जीत होगा। 1% यदि कोई भ्रम भी फैला रहे हैं कि जो पेटिशनर बना है सिर्फ उसका जीत होगा, तो हम अपने सचिव भाई से कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे संघ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसमें दायर भी कर दिया गया है। अब जैसे ही हमारा फैसला 9 तारीख को आता है, आप सभी जान रहे होंगे कि 9 फरवरी को हमारा कोर्ट में हेयरिंग था। हमारे वकील साहब बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे और उस पक्ष में पूरा उम्मीद जग गया है कि हम लोग केस जीत रहे हैं, और केस जीत रहे हैं। जज साहब हमारा जजमेंट को रिजर्व रख लिए हैं। 9 मार्च को हमारा जजमेंट आउट होगा, उसमें हमारा जीत निश्चित होगा। हमारे सचिव भाई कोई घबराए नहीं, ये जीत सभी के लिए होगा। कोई भ्रम फैला रहा है तो हमारे संघ से बाहर के लोग हैं। निश्चित रूप से हमारे संघ के सभी लोग को जानकारी है कि एक भी सचिव का जीत होता है तो सभी का जीत होगा, क्योंकि सेम कंडीशन सभी का है, किसी का अलग कंडीशन नहीं है। जो अलग अलग पेटिशनर बनना पड़ेगा, इसलिए अभी पेटिशनर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कोर्ट में हेयरिंग हुआ है, फैसला को रिजर्व रखा गया है, जजमेंट जो रिजर्व रखा गया है, जैसे ही 9 तारीख को आता है तो हमारे सभी सचिव भाई के पक्ष में ही आएगा, ये पूरा उम्मीद है। इसलिए कोई भी सचिव भाई घबराए नहीं, ये जीत सभी का होगा। और आगे का भी रणनीति प्रदेश कमेटी बखूबी निभाएगी और प्लान बना रही है आगे क्या करना है। एक सवाल है मेरा, क्या वार्ड सचिव दो खेमे में बढ़ चुकी है या एक खेमे में? ना वार्ड सचिव संघ कभी दो खेमा में बटी थी, ना अभी दो खेमा में है, और ना आने वाला दिन में भी दो खेमा में नहीं रहेगा। पहले भी हमारा सचिव संघ एक ही खेमा में था, आज भी एक ही खेमा में है, और आने वाला समय भी पूरा बिहार एक ही खेमा में रहेगा। आपको एक नज़ारा 27 दिसंबर को देखने को मिला भी होगा। अच्छा, एक और जो राजनंदन जी हैं वो 25 तारीख को ऐलान किए हैं कि जो बजट सत्र चालू होने वाला है उसमें फिर से आप लोग सड़क पे उतरेंगे, धरना करेंगे, गर्दनी बाग में जाकर के शांतिपूर्ण मांग को रखेंगे। सबसे पहला बात तो हम अपने संघ पर पूरा विश्वास रखते हैं। हमारा संघ ही इतना मजबूत है कि हमें दूसरे संघ का वजूद, जिसका वजूद नहीं है, उसके पास हमें जाने का ज़रूरत नहीं है।
यदि वो हमारे पास आते हैं तो उनका वेलकम है। आपके राजनंदन के आपके बातों का हम जवाब दे रहे हैं। हमारा संघ इतना मजबूत है कि हमें दूसरे संघ के पास जिनका खुद का वजूद नहीं है उनके पास जाने का ज़रूरत नहीं है। यदि वो हमारे पास आते हैं तो उनका वेलकम है। और बात रहा राजनंदन जी का, तो हमारे प्रदेश कमेटी राजनंदन जी को पद से निष्कासित कर दिया गया है। वो सिर्फ अब एक सचिव के पद में हैं, सिर्फ वार्ड सचिव के पद में हैं। और वो वार्ड सचिव के पद में वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको हम लोग रोकने टोकने वाले नहीं हैं। तो आपको कोई नहीं समर्थन नहीं मिलेगा उनके जो धरना करने जा रहे हैं 25 तारीख को? नहीं, बिल्कुल हम लोग अपना प्लान के तहत काम कर रहे हैं, जो भी करेंगे। राजनंदन जी के साथ नहीं है आप लोग? राजनंदन जी के साथ इसमें रहने न रहने वाली बात कहाँ रहा। राजनंदन जी अभी वो सिर्फ एक सचिव के रूप में हैं और वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि उन्होंने 11 तारीख को एक बैठक बुलाया जिसमें मात्र 8-10 लोग ही पहुंचा, वो भी बहुत से उसमें 4-5 सचिव भी नहीं थे। तो इसमें हम लोगों का जो भी प्लान बन रहा है हम लोग अपने प्लान के हिसाब से आगे का काम करेंगे। राजनंदन जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनसे हम लोग का कोई वास्ता नहीं है। तो क्या हमारे प्रदेश कमेटी राजनंदन जी को अपने जी आगे फिर कोई धरना का या फिर प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं या फिर कोर्ट पे ही निर्भर है? देखिए, सबसे पहला तो हमारा कोर्ट का 9 तारीख का जजमेंट आने वाला है, 9 तारीख का वेट करेंगे। उससे पहले क्या करना है वो एक प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे ही हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है तो हम अपने सचिव भाई को सबको संदेश देने का काम करेंगे। देखिए ये साफ है, हालांकि ये इनकार कर रहे हैं कि हम दो खेमे में नहीं हैं, लेकिन ये नज़र आ रहा है चूँकि राजनंदन जी वो 25 तारीख को धरना करने का ऐलान किया है, महाआंदोलन करने का ऐलान किया है, जो बजट सत्र चालू होने वाला है उसमें वो बैठेंगे। लेकिन मोनू जी ने साफ बोला है कि हम उसमें नहीं शामिल होंगे, हम अभी कोर्ट पर निर्भर हैं, कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद हम जो वार्ड सचिव संघ का जो प्रदेश कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम आगे का रणनीति तय करेंगे। ऐसा नहीं बोला कि हम सिर्फ कोर्ट के माध्यम से आश्रित हैं, हमारा और भी प्लानिंग चल रहा है। जैसे ही हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है तो हम अपने सचिव भाई को संदेश दे देंगे। जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब भी हमने काम पूरा किया है तभी हम अपने सचिव भाई को संदेश दिया। फैसला आने के बाद ही ना, हम फैसला आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपना तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए हम अपने सचिव भाई में संदेश नहीं दे रहे हैं। जैसे ही हमारा तैयारी कंप्लीट होता है हम अपने संघ में जितने भी सचिव भाई हैं सभी को आप संदेश दे देंगे और उसी हिसाब से सारे लोग काम भी करेंगे। आगे भी काम किए हैं, एक आपको छोटा सा नज़ारा 27 तारीख को बीजेपी कार्यालय के सामने देखने को मिला भी होगा। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, जो वार्ड सचिव संघ है प्रदेश कमेटी तैयारी कर रही है, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया है कि कब वो तारीख होगा, कब वो दिन होगा। हालांकि जो राजनंदन जी हैं वो तारीख का भी ऐलान कर दिए हैं, दिन का भी ऐलान कर दिए हैं कि हम 25 तारीख से फिर से धरना स्थल गर्दनी बाग में हम बैठेंगे और सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जो मोनू जी हैं वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे इसका प्लान जैसे ही कम्प्लीट होता है हम आगे का तारीख और दिन बता देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।